बुलंदशहर की डिबाई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर पूर्व में की गई बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पकड़े गए शातिरों की निशानदेही से पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 2 चाकू भी बरामद किए हैं। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह प्रेस वार्ता में दावा करते हैं कि पकड़े गए आरोपी शातिर किस्म के अंतर्राज्य वाहन चोर हैं, जिन पर बुलंदशहर के विभिन्न थानों सहित हरियाणा और गाजियाबाद में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। SSP के मुताबिक देर रात डिबाई पुलिस को सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 शातिर अनूपशहर से भीमपुर दौराहे डिबाई की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों शातिरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। SSP के मुताबिक चोरों की निशानदेही से 7 वाहन और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। SSP ने बताया कि शातिर चोरी की हुई मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल कर ग्रामीणों को सस्ते दामों में बेचा करते थे। पकड़े गए दोनों चोरों पर पहले से करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिरों को जेल भेज दिया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पुलिस तलाश कर रही है। डिबाई पुलिस के द्वारा 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम रवि प्रजापति है, जिसके विरुद्ध 7 मुकदमे हैं। दूसरा है ललित और ये अहमदगढ़ का रहने वाला है, इसके विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज हैं। और जो रवि प्रजापति है, अनूपशहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से कुल 6 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई है, जिसमें से 1 स्कूटी डिबाई थाना क्षेत्र से चोरी की है, कनेक्ट हो गई है। 1 हरियाणा से चोरी की है, वो कनेक्ट हो गई है। 2 मोटरसाइकिलों के मुकदमे अलीगढ़ में दर्ज हैं। इस तरह 4 अभियोग जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं बरामद मोटरसाइकिलों से, और 3 अन्य वाहन जो बरामद हुए हैं उनके संबंध में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है कि वे कहाँ से चोरी की गई हैं। और इनका जो कार्य करने का तरीका है कि वाहन चोरी करने के बाद नंबर प्लेट बदल देते थे और कम दाम पे गांव स्तर के लोगों को मोटरसाइकिल बेच दिया करते थे। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद हो चल रही है कि इस क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। शातिर किस्म के हैं, कुछ और इनके साथी हैं जिनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बुलंदशहर से Time24 न्यूज़ के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।